जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th, मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन चैप्टर 14 यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय विवेचन। ये चैप्टर अपना चल रहा था और आज हम इसके अंतिम मुकाम पर पहुंच गए हैं, यानी कि विविध प्रश्नावली पर, मिसलेनियस पर। तो रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ था नहीं, और जो भी है साथ साथ मैं कराते जाऊँगी आपको। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित कथनों के निषेधन लिखिए, यानी कि राइट द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या है? प्रत्येक धन वास्तविक संख्या x के लिए संख्या x माइनस वन भी धन संख्या है। बच्चों, आपने क्वांटिफायर्स पढ़े थे अगर आपको याद हो, जिसको हम कहते हैं परिमाणवाचक सूक्तियाँ, है ना। क्वांटिफायर फ्रेजेस पढ़ी थी ना, कौन सी थी? एक तो थी देयर एग्जिस्ट, दूसरी थी फॉर ऑल या फॉर एवरीवन, एक ही बात है। एक ऐसी चीज़ का या जो भी है संख्या का, कुछ भी बीच में होगा, अस्तित्व है, एक ऐसी का अस्तित्व है, ये पहली थी। और दूसरी थी सभी के लिए, फॉर ऑल, प्रत्येक के लिए, ठीक। अब यहाँ पर कौन सी यूज़ हो रही है? देखो, यहाँ यूज़ हो रही है प्रत्येक के लिए, यानी कि फॉर ऑल। अगर हम इसकी जगह पर देयर एग्जिस्ट लगा दें तो हो गया निषेधन, नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, आप बताइए। देखिए क्यों हो गया, वो कह रहे हैं सबके लिए और आप कह रहे हो नहीं, एक तो ऐसी है जिसके लिए नहीं है। तो इसके निषेधन निकालने के यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के दो मेथड्स हैं। एक तो सीधे सीधे नो लगा दो, दूसरा यह है कि क्वांटिफायर चेंज कर दो, ठीक। तो प्रत्येक धन वास्तविक संख्या x के लिए संख्या x माइनस वन भी धन संख्या है। तो एक रट्टाफिकेशन या सिंपल वाला क्या होगा? प्रत्येक धन वास्तविक संख्या x के लिए संख्या x माइनस वन धन संख्या नहीं है, या तो धन संख्या नहीं है या ऋण संख्या है। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो थोड़ा अच्छा तरीका है वो ये है कि एक ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्या x का अस्तित्व है कि x माइनस वन धनात्मक नहीं है। ये थोड़ा सा लेवल वाला है, ठीक है। वैसे गलत तो वो भी नहीं करेंगे, वो मैं ब्लू पेन ले रही थी। अब इसको इंग्लिश में सुन लीजिए, फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर x, द नंबर x माइनस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो या तो कर दो कि इज नॉट पॉजिटिव, नॉट कर दो ऑल्सो हटाकर, हाँ, या फिर फॉर एवरी ऐसे बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर x सच दैट x माइनस वन इज नॉट पॉजिटिव, ठीक है। लिख दूँ मैं बच्चों फटाफट, जल्दी से लिख देती हूँ। आगे के तो मैंने क्या किया है, क्वेश्चन सॉल्व भी करके रखे हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बोला वो मैंने लिख कर दिखा दिया। अब दूसरा है बच्चों, सभी बिल्लियां खरोंचती हैं, ऑल कैट्स स्क्रैच, ठीक। अब इसको भी देयर एग्जिस्ट करके कर दो कि नहीं, एक बिल्ली तो है जो नहीं खरोंचती है, ऐसे कर दो, है ना। या तो सिंपल, सभी बिल्लियां नहीं खरोंचती हैं, ये तो है ही सिंपल। तो सभी को हम देयर एग्जिस्ट में, यानी कि क्या कहते हैं उसको, एक ऐसी का अस्तित्व है में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक ऐसी बिल्ली का अस्तित्व है जो खरोंचती नहीं है, देयर एग्जिस्ट अ कैट विच डज नॉट स्क्रैच, गॉट इट। थर्ड आ रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए या तो x ग्रेटर देन वन या x स्मॉलर देन वन, x वन से बड़ा है या x वन से छोटा है। फॉर एवरी रियल नंबर x, आइदर x वन से ग्रेटर है, ग्रेटर देन वन, और x इज लेस देन वन। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे? ये हुआ बच्चों, एक ऐसी वास्तविक संख्या x का अस्तित्व है कि न तो x ग्रेटर देन वन और न x स्मॉलर देन वन, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x सच दैट नाइदर x इज ग्रेटर देन वन नॉर x इज लेस देन वन, ठीक। नाउ कम टू द पार्ट नंबर फोर, एक ऐसी संख्या x का अस्तित्व है कि
x lies between 0 and 1, x 0 और बीच के 1 के बीच में lie करता है. There exists a number x such that 0, ये सिंपल है. इसमें क्या करो, फॉर एवरी मत करो, हाँ फॉर एवरी मत करो, क्योंकि हम इसमें श्योर नहीं है. वो बोल रहे हैं देयर एग्जिस्ट अ नंबर, तो इसका नेगेटिव ये नहीं होगा कि सबके लिए, इसका नेगेटिव होगा देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे किसी नंबर का अस्तित्व नहीं है. इसका सिंपल होगा, आप यहाँ लिखेंगे किसी ऐसी वास्तविक संख्या x का अस्तित्व नहीं है कि ये कंडीशन, ठीक है. और इंग्लिश में लिख देंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नंबर x सच दैट x lies between 0 एंड 1, मैं लिख कर दिखा दूँ. ये हो गया. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू. निम्नलिखित सप्रतिबंध कथनों अंतर्भाव में से प्रत्येक का विलोम तथा प्रतिधनात्मक कथन लिखिए. विलोम भी लिखना है और प्रतिधनात्मक भी. स्टेट द कन्वर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है. तो ये रहे बच्चों क्वेश्चन नंबर टू के स्टेटमेंट्स. थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था तो मैंने उसको कट मार दिया, ठीक है. तो यहाँ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है एक धन पूर्णांक अभाज्य संख्या है केवल यदि वन और पूर्णांक स्वयं के अतिरिक्त उसका कोई अन्य भाजक नहीं. आप जानते हो ना प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं. तो यह जो या तो एक से भाज्य हो या स्वयं से हो, तो ये बात को ये लिख कर दे रहे हैं स्टेटमेंट के तौर पर. अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव और बोल रहे हैं, ठीक है. अ पॉजिटिव इंटीजर इज प्राइम, धन पूर्णांक, ओनली इफ इट हैज नो डिवाइजर्स अदर देन वन एंड इट्सेल्फ, ठीक. तो अगर मैं इसका सेंटेंस अलग से पहले इफ और देन में कन्वर्ट कर लूं बच्चों, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा. क्यों इजी हो जाएगा, मैं फटाफट उसको आपको समझा पाऊंगी. तो सबसे पहले मैं इस सेंटेंस को इफ और देन में कन्वर्ट कर रही हूं, ठीक है. कैसे होगा ये देखो. इफ अ पॉजिटिव, इफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज प्राइम, देन इट हैज नो डिवाइजर्स अदर देन वन एंड इट्सेल्फ. आप मेरी बात समझे. अब देखो मैं ब्लैक पेन लूँ थोड़ा. इफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज प्राइम, तो ये बच्चों आपका पी स्टेटमेंट हो गया, पी पहला वाला, ठीक. देन इट हैज नो डिवाइजर्स अदर देन वन एंड इट्सेल्फ, तो ये क्यू हो गया, एक पी हो गया, एक क्यू हो गया. और यहाँ पर पी इम्प्लाइज क्यू, पी से क्यू आ रहा है. इफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज प्राइम देन इट हैज नो डिवाइजर्स अदर देन वन एंड इट्सेल्फ. हिंदी में भी लिख लें, यदि एक धनात्मक पूर्णांक अभाज्य है, तब बोलो या तो बोलो एक और स्वयं के अतिरिक्त इसका कोई भाजक नहीं है. तो यदि एक धनात्मक पूर्णांक अभाज्य है, बच्चों ये पी स्टेटमेंट हो गया, एक और स्वयं के अतिरिक्त इसका कोई भाजक नहीं है, ये क्यू हो गया, ठीक है. अब मुझे पहले क्या बताना है, विलोम. विलोम यानी कन्वर्स. अब याद है आपको कन्वर्स क्या था, बस इसको उल्टा कर दो, Q implies P कर दो, कन्वर्स आ जाएगा. और दूसरा मुझे बताना है कंट्रा पॉजिटिव, हिंदी में कहते हैं प्रतिधनात्मक, है ना, कंट्रा पॉजिटिव, ठीक. नॉट Q implies नॉट P या P, Q नॉट implies P नॉट. बच्चों देखो इंग्लिश की चीज़ है, उसको मैथ्स में पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिकली ही पढ़ोगे तो आपको अच्छी लगेगी वो. इंग्लिश की तरह पढ़ोगे तो फिर इंग्लिश की तरह लगेगी वो, मैथ्स की तरह नहीं लगेगी. अब देखो आया समझ में, मैंने कितना इसको इजी कर दिया. चलिए विलोम बनाए, आप और हम मिलकर बनाते हैं. विलोम क्या है, क्यू इम्प्लाइज पी, उल्टा कर दो. यहाँ से शुरू करें, इफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैज इट्स डिवाइजर्स has no divisors other than one and itself, then it is prime. आ गया ना समझ में. और इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या बन जाएगा, if a positive integer has divisors other than one and itself, then it is not prime. ऐसे हो जाएगा, है ना. अब हिंदी में बनाते हैं, हिंदी में क्या बनेगा,
यदि किसी धन पूर्णांक का एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और भाजक नहीं है तो वह एक अभाज्य संख्या है। ये तो हो गया इसका विलोम। अब प्रतिधनात्मक बनाओ। यदि एक धन पूर्णांक के एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य भाजक भी हैं तो वह पूर्णांक अभाज्य संख्या नहीं है। दोनों तरफ उल्टा कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको आपको लिख कर दिखा रही हूँ। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, मैं तट पर जाता हूँ जब कभी धूप वाला दिन होता है। तो इसको भी पहले हम उसमें कन्वर्ट कर ले, ये उसमें क्या, इफ एंड देन में। इफ इंग्लिश में पढ़ो, आई गो टू बीच वेन एवर इट इज अ सनी डे। आपको पता है बीच पे सन बात लेते हैं लोग बाग सर्दियों में। तो इफ इट इज अ सनी डे then I go to beach। ठीक, हिंदी में कैसे लिखेंगे? यदि यदि धूप वाला दिन होता है तब मैं समुद्र तट पर जाता हूँ। ठीक, तो ये हो गया। अब सनी डे, धूप वाला दिन होता है, पी हो गया, और समुद्र तट पर जाता हूँ, क्यू हो गया। तो ये पी है बच्चों, ये क्यू है। मुझे क्या करना है? क्यू टू पी करना है, उल्टा करना है। तो उल्टा कैसे होगा? यदि मैं समुद्र तट पर जाता हूँ तो दिन में धूप है ना, मस्त। इंग्लिश में इफ आई गो टू बीच देन इट इज अ सनी डे। अब क्या करना है आपको? अब यहाँ पर प्रतिधनात्मक में क्या होता है? नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, याद रहेगा, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। तो इसका उल्टा कर दो, यदि मैं समुद्र तट पर नहीं जाता हूँ तो दिन में धूप नहीं है, ठीक है। इफ आई डू नॉट गो टू बीच देन इट इज नॉट अ सनी डे। ठीक, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है अगला। चलिए, आर स्टेटमेंट, यदि बाहर गर्म है तो आपको प्यास लगती है। तो ये तो बेटा बना बनाया है, देखो, यदि तो इसमें ये पी हो गया, बाहर गर्म है पी हो गया, प्यास लगती है क्यू हो गया। इफ इट इज हॉट आउटसाइड देन यू फील थर्स्टी, तो हॉट आउटसाइड पी हो गया और फील थर्स्टी क्यू हो गया। अब विलोम में क्या होता है आपको याद है? क्यू इम्प्लाइज पी होता, उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा? यदि आपको प्यास लगी है तो बाहर गर्म है, उल्टा हो गया ना, यदि आपको प्यास लगी है तो बाहर गर्म है। लिखने में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया था तो अब यहाँ पर लिख दिया मैंने, इफ यू फील थर्स्टी देन इट इज हॉट आउटसाइड। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्या था? अगला है प्रतिधनात्मक, इसमें क्या होता है? नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, क्यू का उल्टा कर दो। यदि बाहर गर्म है, यदि आपको प्यास नहीं लगती है, पहले क्या था? यदि आपको प्यास लगी है, अब उसका उल्टा कर दो, यदि आपको प्यास नहीं लगती है तो बाहर गर्मी नहीं है। ठीक है, तो इसका कंट्रा पॉजिटिव हो जाएगा, इफ यू डू नॉट फील थर्स्टी देन इट इज नॉट हॉट आउटसाइड। ये थोड़ा सा गड़बड़ हिंदी के दो बार लिख दिया था, ठीक है। चलिए अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक को यदि पी तो क्यू, यदि पी तो क्यू के रूप में लिखिए। राइट ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म इफ पी देन क्यू। तो सिंपल है ना, ये कोई खास मुश्किल तो है नहीं। तो इसमें आप कैसे बनाएंगे बेटा? सर्वर पर लॉग ऑन करने के लिए पासवर्ड होना आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू हैव अ पासवर्ड टू लॉग टू द सर्वर। यदि पी तो क्यू, ठीक, तो इसको आप कैसे बनाओगे? यदि सर्वर पर लॉग ऑन है, मतलब आपने लॉग ऑन कर चुके हो, लॉग ऑन है, तो इसका मतलब आपको पासवर्ड पता था,
बात समझो, सर्वर पर लॉग ऑन करने के लिए पासवर्ड होना आवश्यक है। तो यदि सर्वर पर लॉग ऑन है तो इसको हम लिखेंगे पासवर्ड, पासवर्ड ज्ञात है, आपको मालूम है पासवर्ड, तभी आपने ऑन किया लॉग ऑन। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इफ यू लॉग ऑन टू द सर्वर, टू द सर्वर, देन यू हैव अ पासवर्ड। ठीक बच्चों, हाँ इस तरह से। जब कभी वर्षा होती है यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है, यदि वर्षा होती है तो यदि वर्षा होती है तो यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। देयर इज ट्रैफिक जैम वेन एवर इट रेन्स। अब यहाँ उल्टा होगा, वेन एवर, इफ, ये वेन एवर चेंज हो जाएगा इफ में, इफ इट रेन्स देन देयर इज ट्रैफिक जैम। देखो इंग्लिश और हिंदी में लिखने में फर्क होता है। हाँ, तो whenever के हिसाब से हमने पहचाना, if, if it rains then there is traffic jam, got it? और next question, next statement पर आते हैं। आप website में प्रवेश कर सकते हैं यदि, केवल यदि आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान आपने, sorry, यदि आपने निर्धारित शुल्क का भुगतान किया हो। अब यदि आ गया, हाँ तो इफ वाला स्टेटमेंट पहले आएगा ना, तो यदि आपने निर्धारित शुल्क का भुगतान किया है तब आप वेबसाइट में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा होगा। यदि आप निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हैं या आपने भुगतान किया है तो आप वेबसाइट में प्रवेश कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस द वेबसाइट ओनली इफ यू पे अ सब्सक्रिप्शन फी। So if you pay a subscription fee, then you can access the website. ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है? तो सिंपल एक क्वेश्चन बीच में डाल दिया। Now question number 4. निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक को P यदि और केवल यदि Q, यानी Q को P की necessary condition बना दिया। P यदि और केवल यदि Q के रूप में पुनः लिखिए। Sorry. Rewrite each of the following statements in the form P if and only if Q. आप बात को समझ रहे हो? Q को important बना दिया, Q को P की necessary condition बना दिया है, ठीक है? तो ये है आपका P statement, मतलब P statement में दो है, P और Q, तो इसका नाम इनको कुछ और रखना चाहिए था। मतलब पहला वाला P है और दूसरा वाला Q है। सुनना जरा, यदि आप दूरदर्शन देखते हैं, ये P है, तो आपका मन मुक्त होता है, ठीक है? और यदि आपका मन मुक्त है तो आप दूरदर्शन देखते हैं, और हमको क्या कहा है कि पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, तो क्यू को उसकी इंपॉर्टेंट यानी नेसेसिटी बना दिया। इफ यू वॉच टेलीविजन देन योर माइंड इज फ्री, एंड इफ योर माइंड इज फ्री देन यू वॉच टेलीविजन। तो आप टेलीविजन कब देख पा रहे हो, जब आपका माइंड फ्रेश है, फ्री है, ठीक? तो ये क्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। किसके लिए? टीवी आप केवल तभी देख पाओगे जब आपका मूड फ्रेश है, आप समझो। पी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन क्यू के वजह से, अगर क्यू है तो पी है। तो आपका मूड अच्छा है तो आप टीवी देख पा रहे हो। तो इस चीज को आप कैसे लिखोगे, मैं आपको पहले बोलकर बता दूं, फिर मैं फटाफट लिख दूंगी, मतलब उसको कर दूंगी फॉरवर्ड, स्पीड कर दूंगी। आप टेलीविजन देखते हैं यदि और केवल यदि आपका मन मुक्त है। यू वॉच टेलीविजन इफ एंड ओनली इफ योर माइंड इज फ्री, ठीक? इसको मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ। लाइनिंग वाला पेज है बट मैं ऐसे लिखती हूँ ऐसे कि इसमें लाइन है ही नहीं, कहीं कुछ भी लिख देती हूँ कि बस बड़े हो गए जी अब, है ना? सेकेंड, आपके द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य और पर्याप्त है कि आप गृह कार्य नियमित रूप से करते हैं। फॉर यू टू गेट एन ए ग्रेड इट इज़ नेसेसरी एंड सफिशेंट दैट यू डू ऑल द होमवर्क रेगुलरली। आप ए ग्रेड पाते हैं यदि और केवल यदि, मेरे को ये दिख ही रहा था इसमें कुछ है ही नहीं। यह अनिवार्य और प्राप्त है, पर्याप्त है, यह अनिवार्य और पर्याप्त है की जगह यदि और केवल यदि करना है। इट इज़
नेसेसरी एंड सफिशिएंट, इसकी जगह पर क्या करना, इफ एंड ओनली, बस इतना सा चेंज है। आप ए ग्रेड पाते हैं यदि और केवल यदि आप समस्त गृह कार्य नियमित रूप से करते हैं। यू गेट एन ए ग्रेड इफ एंड ओनली इफ यू डू ऑल द होमवर्क रेगुलरली। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि एक चतुर्भुज समान कोणिक है और वह तो वह एक आयत होता है, तथा यदि एक चतुर्भुज आयत है तो वह समान कोणिक होता है। याद रखना बच्चों, हमको पी को डिपेंड करवाना है क्यू पर। तो क्या आएगा, इफ सॉरी ये तो इसकी इंग्लिश है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वी एंगुलर देन इट इज रेक्टेंगल, एंड इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल देन इट इज एन इक्वी एंगुलर। ठीक, तो हमको यहाँ पर उल्टा करके मतलब बताना, इफ एंड ओनली इफ बताना है, पी को क्यू पर डिपेंड कराना है। एक चतुर्भुज समान कोणिक है यदि और केवल यदि वह एक आयत है। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्विएंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक, तो ये भी हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दो कथन दिए हैं, पहला 25 संख्या 5 का एक गुणज है, दूसरा 25 संख्या 8 का एक गुणज है। उपरोक्त कथनों का संयोजक और तथा आर द्वारा संयोजक करके मिश्र कथन लिखिए। संयोजन होगा, दोनों दशाओं में प्राप्त मिश्र कथनों की वैधता भी ज्ञात कीजिए, यानी ये बताइए कि ट्रू है कि फॉल्स है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट्स कनेक्टिंग दीज टू स्टेटमेंट्स विद एंड और, इन बोथ केसेस चेक द वैलिडिटी ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कितना सिंपल है ये। पहला है, मैं और से जोड़ रही हूँ, हाँ 25 संख्या 5 और 8 का एक गुणज है। या से जोड़े, 25 संख्या 5 या 8 का एक गुणज है, सिंपल। ठीक, इंग्लिश में 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8, या फिर 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 8, गॉट इट। तो जल्दी से लिख रही हूँ मैं इसको, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब ये व लिख दिया, कहाँ लिख दिया मैंने व, तो इसको और समझना। ठीक है, आपको मैंने बताया था, आपको मैंने ये 2-3 वीडियोस में बता दिया है, पी है एक स्टेटमेंट, पी है एक स्टेटमेंट, क्यू है पी एंड क्यू, और पी और क्यू कब कब क्या क्या होते हैं। अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ये सभी ट्रू हैं। ठीक, अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो एंड वाला तो फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू रहेगा। अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये तो फॉल्स हो जाएगा एंड वाला, हाँ, और ये ट्रू रहेगा। लेकिन अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो फिर चारों फॉल्स हैं ऐसे। ठीक है, तो अब ये और वाला एंड वाला देखते हैं, तथा वाला। ठीक, तथा वाला इसमें 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ये तो पी तो ट्रू है, हाँ, लेकिन 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, ये दूसरा वाला था ना, 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, ये तो रॉन्ग है। तो टी एफ से ये क्या होता है, फॉल्स होता है। तो 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8 तो हो गया फॉल्स, तथा वाला तो हो गया फॉल्स। 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 8, तो या तो 5 का हो या तो 8 का हो। तो ये टी है ये एफ है, तो ये टी हो जाएगा, यानी और वाला स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, और जिसमें एंड आया है ना तथा वाला, ये फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स है, यू आर वाला ये, और वाला ये, या वाला ट्रू है। आप समझ सकते हो, थोड़ा सा उलझा दिया मैंने, जबकि ये सिंपल सा था, लेकिन हाँ मेरे बच्चे स्मार्ट हैं, समझ लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे लिखे कथनों की वैधता की जांच उनके सामने लिखित विधि द्वारा कीजिए। चेक द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो बाय द मेथड गिवन अगेंस्ट इट। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है, विरोधोक्ति विधि द्वारा बताना है। द सम ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड अ रैशनल नंबर इज इरेशनल बाय कंट्राडिक्शन। यू हैव टू शो दिस, यू हैव टू प्रूव दिस, जो भी आप इसको कहना चाहे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमने 10th क्लास में मुझे याद है कि ये चीज़ पढ़ी है ना, ऐसा हो नहीं सकता आपको याद ना हो, 10th पढ़कर तो आ रहे हो, अभी आपने पढ़ा है, तो मैं इसको यहाँ कर रही हूँ बच्चों, हाँ, नहीं तो फिर मुझे पेज पलटना पड़ेगा। तो मैं एक नंबर लेती हूँ पी, एक लेती हूँ क्यू, यहाँ पर थोड़ी अलजबरा आ गई अपनी, है ना। लेट पी एंड क्यू बी रैशनल
नंबर्स, ठीक है। माना पी और क्यू परिमेय संख्याएं हैं, ठीक। अब रूट पी कैसी हो जाएगी, ये परिमेय है, और इसको वो भी कर दो, प्राइम को क्या बोलते हैं, प्राइम, अभाज्य, ठीक है, परिमेय और अभाज्य ले ली, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होता है ये तो अपरिमेय होता है, जानते हो ना, ये तो इरेशनल होता है, ठीक है। अब पी, रूट पी प्लस क्यू, मेरे पास एक नंबर, ये कैसा है, इरेशनल, ये कैसा है, रैशनल, ये अपरिमेय, ये परिमेय। मुझे बताना है कि ये जो पूरा नंबर बना इन दोनों को जोड़ने से, ये इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। और मुझे इस चीज़ को सिद्ध तो करना है, लेकिन बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन याद है आपको, विरोधाभास क्या होता है बच्चों, विरोधोक्ति विधि क्या होती है, वो होती है कि हम पहले इसको मान लेंगे कि नहीं ये तो परिमेय है, ये तो रैशनल है, और बाद में ऐसे डिसीजन, ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जहां हम कह उठेंगे कि ये गलत था, हमने गलत सोचा था, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना यह एक परिमेय संख्या है, माना लेट दिस बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, माना यह एक परिमेय संख्या है। कंट्राडिक्शन है ना बच्चों, उल्टा मानकर चलना है। अब अगर ये परिमेय है तो कुछ अपॉन अपॉन करके लिख सकते हैं इसको, मैंने लिख लिया ए अपॉन बी, जहाँ ए और बी को प्राइम है, को प्राइम जानते हो, सह अभाज्य, सह अभाज्य, ये क्या होते हैं, 16/25, ये कॉम्पोजिट है लेकिन आपस में एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, तो ये सहभाज्य बन जाते हैं, कोप्राइम्स, ठीक है। तो ये है, अब क्या किया हम, क्यू को इधर ले गए, तो क्या हो गया, ये रूट पी इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस क्यू हो गया, है ना। फिर हो गया रूट पी इज इक्वल टू एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो बी ए माइनस बी क्यू। तो ये कैसा नंबर है, ये कैसा है, ये रैशनल है, यानी कि ये परिमेय है, हाँ, और बाय में ये रूट पी कैसा है, ये अपरिमेय है, ठीक। तो अपरिमेय और परिमेय बराबर कैसे हो सकते हैं, अपरिमेय और परिमेय बराबर कैसे हो सकते हैं, अतः हमारा जो एजम्पशन था, जो हमने शुरू में माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, ये रैशनल नंबर है, ये गलत है, ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है। बच्चों जैसी बात है, टेंथ क्लास में हम इसे प्रूव कर चुके हैं, आपको याद होगा, आपको दिए थे सवाल, 2+√5 इज अ रैशनल इरेशनल नंबर, ये वो, तो हम उसको भी ऐसे ही करते थे, कंट्राडिक्शन से ही करते थे। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, क्यू, यदि एन एक ऐसी वास्तविक संख्या है कि एन 3 से बड़ा है, तो एन स्क्वायर 9 से बड़ा होगा। इफ एन इज अ रियल नंबर दैट एन इज ग्रेटर देन 3, देन एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, ठीक है, बाय कंट्राडिक्शन हम इसे प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो यहाँ पर, लेट एन कैसा है, 3 से बड़ा है ना, तो एन इज इक्वल टू 3+a ले लो, n is equal to 3+a, क्योंकि 3 से बड़ा होना चाहिए, a कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा भी, बड़े से बड़ा भी, तो ये 3 हो गया, 3+a हो गया, ठीक है। और हम ये मानते हैं let then, हम ये मानते हैं कि ये जो n square आएगा ये 9 से बड़ा नहीं आएगा, या तो छोटा होगा या equal होगा, ये हमारा assumption है, क्योंकि इन्होंने कहा contradiction, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि अगर n 3 से बड़ा है तो n स्क्वायर 9 से बड़ा नहीं है, या तो छोटा है या तो बराबर है, ठीक है। तो शुरू हो जाए, अब अपना काम शुरू करें हम, n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3+a होल स्क्वायर, है ना। अब क्या हो जाएगा, 9, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 2a भी होता है ना तो 6a, और प्लस b स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर, ऐसे आएगा, है ना, बोलो आएगा कि नहीं। इसके बाद 9, तो ठीक है 9 प्लस, यहाँ से a लिया मैंने कॉमन, ठीक, और ये क्या हो गया आपका 6+a, ठीक। अब जो मैंने a यहाँ पर ऐड किया था, मैं यहाँ पर अगर मेंशन कर दूँ कि a जो है पॉजिटिव संख्या है,
वास्तविक है ना, रियल, और पॉजिटिव मैंने अपनी तरफ से ले ली क्योंकि मुझे इसको 3 से बड़ा करना है। अगर ये नेगेटिव होगी बच्चों तो 3 में जोड़ने से 3 को कम कर देगी ना, मुझे तो 3 से बड़ा चाहिए। तो मैंने क्या किया, ए को क्या ले लिया, कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये हो गया अब ये पॉजिटिव, पॉजिटिव जुड़ रहा है 6 में, तो ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 9 में कोई चीज़ जुड़ रही है, वो पॉजिटिव चीज़ है जो जुड़ रही है। तो ये जो आउटपुट आया बच्चों, ये 9 से बड़ा ही तो आया, ये आउटपुट 9 से बड़ा ही तो आया कि नहीं आया, आप बताओ, आया ना। और हम क्या मानकर चल रहे थे कि नहीं ये तो छोटा आएगा या तो बराबर आएगा, लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली करके देखा तो ये एक ऐसी नंबर आ गया हमारे सामने जो 9 से ग्रेटर था, यानी इसमें कुछ पॉजिटिव ऐड हो रहा है जो इसको 9 से बड़ा बना रहा है, ठीक है। फिर हम शब्दों में लिखेंगे, पिछले वाले पार्ट में भी मैंने लिखा नहीं, आप लिखेंगी शब्दों में कि हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई, therefore our assumption is wrong, was wrong, therefore our assumption was wrong that n square is less than or equal to 9 but it is greater than 9। तो इस तरीके से हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे कि हमारी ये परिकल्पना कि 9 से छोटा या बराबर है गलत सिद्ध होती है, जबकि ये तो 9 से बड़ा है, ठीक है। तो ख़त्म हो गया, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्या चैप्टर, केवल एक्सरसाइज नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को 5 भिन्न भिन्न तरीकों से इस प्रकार व्यक्त कीजिए कि उनके अर्थ समान हो। यदि एक त्रिभुज समान कोणिक है तो वह एक अधिक कोण त्रिभुज गलत है। आपको पता है, आपने प्रूव करके दिखाया था एक क्वेश्चन में कि गलत है, और कैसे किया था वो भी, बट यहाँ पर इसको आपको 5 तरह से लिखना है, गलत कथन को 5 तरह से लिखना है। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन 5 डिफरेंट वेज कन्वेइंग द सेम मीनिंग। क्या है स्टेटमेंट, इफ अ ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर देन इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। 5 तरह से लिखने का भी बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था। पहला, पी इम्प्लाइज क्यू, यानी पी से क्यू आना चाहिए अंतर्भाव। दूसरा, P is sufficient condition for Q, P पर्याप्त प्रतिबंध होना चाहिए Q के लिए। तीसरा, P only if Q, P यानी केवल यदि Q, Q is necessary condition for P, Q को अनिवार्य प्रतिबंध होना चाहिए P के लिए। और not Q implies not P, यानी कि Q not अंतर्भाव P not, ऐसे, ठीक है। तो ये 5 तरह से ये होगा। अब इसको मैं आपको एक एक करके 5 तरह से बच्चे बोलकर दिखा रही हूँ, फिर मैं फटाफट लिख दूंगी, ठीक है। तो पहला क्या है, स्टेटमेंट कहाँ गया हमारा, ये रहा हमारा पी क्या है, ये क्यू को छोड़ो, ये तो उसका दूसरा ऐसे ही लिख दिया, इनको गलत है, ये नहीं देना चाहिए था। हमारा पी क्या है, यदि एक त्रिभुज समान कोणिक है, तो एक त्रिभुज समान कोणिक है, बच्चों ध्यान देना, हाँ ये हमारा बन गया पी, तो वह एक अधिक कोण त्रिभुज है, वह एक अधिक कोण त्रिभुज है, ये बन गया Q। अब इम्प्लाई करते जाओ, ठीक है, P implies Q, P से Q पर आओ, कैसे आओगे, इफ अ ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर implies लगा के बोल दो, implies दैट इट इज एन क्या था वो क्या है ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सेकेंड में सफिशियंट कंडीशन बनानी है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे फॉर अ ट्राइंगल टू बी ऑप्टिज्ड एंगल इट इज सफिशियंट दैट इट इज इक्वी एंगुलर, ठीक है। दूसरे इसको सफिशियंट कंडीशन बना दिया पी को, कि अगर कोई त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है तो उसके लिए काफ़ी है। तीसरा क्या है, तीसरे में चाहिए पी ओनली इफ क्यू, तो अ ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर ओनली इफ इट्स A triangle is equiangular only if it is obtused angled triangle, ठीक है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या है बच्चों, फोर्थ में होगा Q is necessary condition for P। अभी आप उल्टा कर दो, इसको जरूरी कंडीशन बना दो Q को, हाँ। तो अब ये कैसे लिखोगे, फॉर अ ट्राइंगल टू बी इक्वी एंगुलर इट इज नेसेसरी दैट इट इज ऑप्टिज एंगल्ड, ठीक है ना। इसके इक्वी एंगुलर होने के लिए इसको ऑप्टिज एंगल होना जरूरी है। अब लास्ट क्या है, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, इफ अ ट्राइंगल इज नॉट एन ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल देन इट इज नॉट एन इक्वी एंगुलर ट्राइंगल,
ठीक है, अगर ये ऑब्टूज एंगल नहीं है तो ये इक्वीएंगुलर भी नहीं है, अगर ये अधिकोण त्रिभुज नहीं है तो फिर ये समान इसके कोण भी नहीं है। इस तरह से हम पांच तरह से लिखेंगे और मैं इनको लिख कर रखती हूँ, बच्चों एक पॉज ले रही हूँ, फटाफट फिर आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। यस बच्चों, मैंने ये करके रख दिया है और इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या इसको पॉज करके देखकर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये रीजंस भी बच्चों मैंने यहाँ साइड में मेंशन कर दिए, इससे आपको इजी रहेगा क्योंकि ये एक अल्टीमेट सेंटेंस नहीं है जो आएगा, कोई और भी आ सकता है ना, तो आपको बेसिक्स मालूम होने चाहिए, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन पुराना है फिर भी बहुत कठिन थी डगर पनघट की किया, जैसे तैसे रास्ता कवर किया और अभी चैप्टर समाप्त होता है, वापस आएंगे हम अपने मैथमेटिक्स पर, इंग्लिश ने तो थका दिया। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।